आज मैं मोहम्मद फयाजुद्दीन EWS कॉलोनी बल्लागुड़ा पर ठहरा हुआ हूँ। मैं तेलंगाना सेवक की टीम के साथ आज देखिए हम लोग यहाँ पर गरीब आवाम, देखिए आप जितने भी फूड पैकेट्स लिए हैं बहुत परेशान हैं लोग। हम लोग जैसो ना जन जन से भी फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ पर जाकर जैसो ना हमारे फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज हम लोग EWS कॉलोनी में देखे हैं कि यहाँ पर आवाम बहुत परेशान है। यहाँ पर इन लोग को खाने को जैसो ना बहुत तकलीफ़ हो रही है, राशन के किट्स नहीं है लोग के पास, नहीं आ रहे हैं, और जैसो ना फ्रूट्स के किट्स भी अपने वेजिटेबल किट्स भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर इन लोग को तरकारी के लिए बहुत मुश्किल हो रही है और हर चीज़ के लिए मुश्किल हो रही है। रोज़गारी करे तो जैसो ये लोग खाना खा सकते हैं और इन लोग को रोज़गारी जैसो ना रुकी हुई है। मैं तकरीबन जितने NGOs है या और कोई जो हुकूमत है और जो सो हर पार्टी को भी मैं बताऊंगा कि जाकर जो सो ना EWS कॉलोनी में जाकर देखिए, यहाँ पर आवाम को बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब जितने NGOs है और जितने अहले खैर है जो भी फंड्स देना चाह रहे हैं ये तेलंगाना सेवक को दिए, तो हम लोग जो सो ना आकर हर जगह पर जाकर जो सो ना हम लोग फूड पैकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं जो सो ना देख रहा हूँ जितने लोग हो सके, पड़ोसी भी, अगर पड़ोसी के पास जो सो ना एक चार टाइम का खाना है तो एक टाइम का खाना जो सो ना पड़ोसी को भी ख्याल करिए, तो इससे भी जो सो ना अपने जितने लोग हैं उन लोग को खाने की परेशानी नहीं होती। शुक्रिया। ये आप कितने दिन से चला रहे साहब? ये मैं देखो 22 तारीख से लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, 22 तारीख से जनता कर्फ्यू से शुरू करा हूँ मैं। अब तक जो सो ना हमारा काम आज तक भी हमारा काम जारी है, इंशाल्लाह जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक हम ये काम करेंगे।